हे गाइस वेलकम, मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। आई वाज आस्किंग द क्वेश्चन कि पायल वाइन इस वक्त क्या कर सकते हैं ताकि उनके एंसेस्टर्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, यू नो, ताकि लाइक आपको क्या करना है ताकि आप अपने एंसेस्टर्स को थोड़ा सा सपोर्ट कर सको एंड ये हीलिंग रिसीव कर सको, इन सारे गलत चीज़ों को सही कर सको, ठीक है ना। सो व्हाट कैन माय पायल वाइन डू ताकि उनके एंसेस्टर्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। वी हैव आइसोलेशन, दैट्स नंबर थ्री। अपने माइंड बॉडी एंड सोल को अलाइन करो जितना हो सके। आई नो आपके लिए इस वक्त थोड़ा सा टफ होगा, स्पेशली अगर आपसे कोई नेगेटिव एनर्जी अटैच्ड है या फिर आपके घर वालों के साथ भी कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच्ड है, तो वो आपको परेशान कर रहे होंगे, आपको सोने नहीं दे रहे होंगे, आप सोगे नहीं, आप अपने एंसेस्टर से मिल नहीं पाओगे स्पिरिट रियल में एंड आप एनर्जीज रिसीव नहीं कर पाओगे, राइट। एंड आपको इस वक्त बहुत दुख हो रहा होगा, लाइक आप बहुत रो रहे हैं इस वक्त, ठीक है, आइसोलेटेड हो। आपको कहीं ना कहीं आपको ये भी फील हो सकता है कि यार मैं अकेला, मुझे नहीं रहना है, पर फिर भी आपको अकेला किया जा रहा है, लाइक भीड़ में भी आप अकेले पड़ जा रहे हो, बार बार करके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इनका छोड़ के जाना आपको इस वक्त बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप क्योंकि जो हीलिंग आपको रिसीव हो रही है, जो काम आपके एंसेस्टर्स, आपका ये ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हिस्सेदारी बाकी के आपके कार्मिक्स इसका हिस्सा नहीं बन सकते, आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं बन सकते, ठीक है ना। सो आपको फील हो सकता है कि यार मैं इतने सारे लोगों को खो रहा हूँ, सब मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, वो आप, ये लोग आप जो आपको छोड़ के जा रहे हैं वो आपके सोल ट्राइब नहीं है, आपके सोल ट्राइब का अब आने का समय आ गया है, ठीक है। दैट्स नंबर 10, साइकिल्स को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। यू नीड टू मीट योर रियल फैमिली राइट नाउ, ठीक है। आपके रियल फैमिली स्पिरिट रेम से आपको कनेक्ट कर रहे हैं एंड उनके साथ कनेक्शन में आना आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। आप बार बार करके विद दैट कंट्रोल कार्ड, आई एम सीइंग कि आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा पैनिक अटैक्स हो सकता है, आपको आप इंटेंसिटी फील कर रहे, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी आप फील कर रहे होंगे, बट देन दैट्स फाइन, बिकॉज ये अगर वो वहाँ से मंत्र जाप कर रहे हैं या आपको इस कई बार क्या होता है ना, लोग किसी प्रैक्टिस में लंबे समय में होना, स्पेशली जन्म के बाद से ही अगर आप किसी प्रैक्टिस में हो, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको पता है कि ये कंडीशनिंग है, पर उस कंडीशनिंग से बाहर निकलने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको वो इंटेंसिटी फील हो सकती है, एक बहुत बड़ी एनर्जी शिफ्ट होने से ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा घबराहट हो सकती है, बट देन दे आर सेइंग कि रोना है रो लो, बट चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, सरेंडर करो अपने आप को, ठीक है, कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए है, आपको उस कंट्रोल से मुक्त करने के लिए। आप अपने आप को कंट्रोल इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी कंट्रोल्ड हो चुके हो, ये पिक्ड अप ट्रेड है, ये आपने सीखा है अपने बड़ों से, अपने आस पास वालों से, ठीक है ना। रिलीज इट, ठीक है, चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश मत करो, अपने साथ ज़बरदस्ती मत करो, जितना हो सके अलाइंड हो, गो आउट ऑन अ वॉक, जा कर के किसी पार्क वार्क में नंगे पाव घास के ऊपर वॉक करो, थोड़ा सा मेडिटेशन म्यूज़िक सुनो, थोड़ा बर्ड्स, बहता हुआ पानी के पास जाओ, यू नो, स्टे क्लोज टू नेचर इस वक्त। यप, इस वक्त आप जब भी नेचर के करीब जाने की कोशिश करोगे, आपके भीतर थोड़ा सा अशांति आपको फील हो सकता है, ये लोग आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस अलाइन करने में आपको दिक्कत हो सकता है, दीज पीपल आर क्रिएटिंग इश्यूज, ठीक है। प्लीज़ इस अवेकनिंग को इनकार मत करो, ठीक है, आप एक नए लेवल पे आपकी अवेकनिंग की जा रही है, ठीक है, आपका कॉन्शियसनेस इस टाइम पे बढ़ रहा है, प्लीज़ इसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, सी ये बंधन है, दिस इज़ द कंडीशनिंग जिसके वजह से आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करो, स्टॉप इट, स्टॉप इट। चीज़ों को आपने अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स को देखा होगा, कंट्रोलिंग पेरेंट्स को देखा होगा, नहीं वही होगा जो मैं चाहता हूँ, अब वही चीज़ आप अपने साथ कर रहे हो, नहीं मुझे ये इंटेंसिटी पसंद नहीं है, ये एनर्जी मुझे बर्दाश्त नहीं है, आई डू नॉट,
स्टॉप इट, ये आपके आपके हीलिंग के लिए हो रहा है, सरेंडर करो, ठीक है। यहाँ पर कोई है आई एम सीइंग कि आपके इंटेग्रिटी की परीक्षा ली जाएगी, आई फील, या एग्जैक्टली लिसन, ये एक नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक इनमिच्योर्ड एक आदमी हो सकता है, मैस्कुलिन हो सकता है, हमने पहले भी रिसीव किया था, ये आपके साथ सौदा करने की कोशिश करेंगे कि तू अपने सपनों को भूल जा या फिर तू इस पर्टिकुलर चीज़ को भूल जा, उसके बदले में मैं तुझे पैसा दे रहा हूँ, ठीक है। पकड़ लो, आप अपना सच बोल रहे हो, सेंकि नहीं मेरे साथ यहाँ पर गलत हुआ है, ठीक है। पकड़ लो, प्रॉपर्टी की बात है, ठीक है, आपको वहाँ पर 50%, आप दो भाई बहने हो, ठीक है, एंड यू आर सेइंग कि फैमिली का हिस्सा होने के नाते मुझे 50% मिलना चाहिए, बट ये आपको कहेंगे कि नहीं तू 30% ले, तो इसे ले और बाकी की सारी चीज़ें भूल जा। या फिर कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, कुछ गलत हुआ है, कोई अन्याय हुआ है, दिल से कि पैसा लेकर के इसको रफा दफा कर, इस केस को रफा दफा कर, डोंट डू इट, ये आपकी इंटेग्रिटी की परीक्षा है। एंड हु इज़ डूइंग दिस, अ फकिंग नार्सिसिस्ट, ये करके अपने कर्मों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि अगर आप मुंह खोलोगे, ठीक है, टावर हिट होगा, और टावर हिट ऐसे भी होगा वैसे भी होगा, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स चीज़ों को अपने हाथों में ले चुके। सवाल वो आपसे ये पूछ रहे हैं इस वक्त कि आप उनका साथ दे करके, अपना सच बोल करके इस रास्ते पर, स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे, चीज़ों को सही करने में उनकी हेल्प करोगे, अपने लिए चीज़ों को सही करोगे, ताकि आपके आने वाले बच्चे और जनरेशन इस टॉक्सिसिटी का शिकार ना बने, या फिर आपको इन लोगों की तरह सर पटक पटक के रोना है, ये ड्रामा करना है कि ओ माय गॉड ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, जबकि आपको पता है कि आपके भले के लिए हो रहा है। सो दैट्स गोइंग टू बी योर चॉइस, और आपको वहाँ पर डिसाइड करना है क्या करना है। वील मूव इन टू पाइल नंबर टू, जिन्होंने ये पीच वाला चुना था। ओके, पाइल टू के लिए क्या मैसेजेस है, हमारे कौन से एंसेस्टर्स आ रहे हैं और ये इन्हें क्या हील करना है। पाइल टू के इश्यूज क्या, लेट्स आस्क दैट क्वेश्चन फर्स्ट। पाइल टू इस वक्त कौन से हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, कहाँ पर इशू हो रहा है मेरे पाइल टू के लिए। पाइल टू इस वक्त आपके घर में बहुत जंग छिड़ी हुई है, ये लोग आपको ज़बरदस्ती आपको ऐसे टॉक्सिक चीज़ों में खींचने की कोशिश करते आए हैं, या खींचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी वो खींच चुके हैं किसी ऐसे क्योटिक सिचुएशन में जहाँ पर वो आके पैसे को अपने नाम कर सके। लाइक वो कहेंगे, जानबूझ के ड्रामा क्रिएट करेंगे, रोना धोना करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ कि मुझे पैसा चाहिए। वो आपको गिल्ड भी फील करा सकते हैं कि हाँ तू हमारा ध्यान नहीं रख रहा है, तू नहीं रखेगा तो कौन रखेगा, ऐसे बोल करके पकड़ लो आपने पैसा जमा किया अपने लिए कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, और वो उस पैसे को अपने नाम पे करना चाहते हैं, तो वो जानबूझ के कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर देंगे जहाँ पर आप इनडिसाइसिव हो जाओगे, डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होगा कि ये पैसा तो मैंने अपने लिए सेव किया था रहे एंड क्या मैं इसे दे दूँ, ठीक है। इट्स लाइक जब भी आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो ये लोग फट से बीच में आ जाते हैं एंड किसी ना किसी बहाने से वो आपका जो आपका है वो उनसे आपसे ले करके आपके भीतर एक टर्मोइल क्रिएट करके चले जाते हैं। दे माइट इवन लैंड अप मेकिंग यू फील कि आप इस चीज़ के लायक नहीं हो, कि जो भी आप कमा रहे हो समथिंग उस पर उनका हक है आपका नहीं। इट्स लाइक आपका सैलरी आता है, पूरा सैलरी वो, या फिर ऑलमोस्ट पूरा सैलरी वो ले लेते हैं। व्हाट आर वी हीलिंग राइट नाउ, या आपका नई बिगनिंग नहीं आ पाना, कम्युनिकेट नहीं कर पाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक आप बिल्कुल भी दिस पीपल आर मेकिंग यू फील लेस देन हु यू आर। मेहनत आपका, टैलेंट भी आपका, सब आपका, बट इट्स लाइक वो आपके घर में ही आपको मेहमान बनाए जा रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स कहेंगे कि लात मार के इन्हें बाहर निकालो अपने लाइफ से, अपने घर से, या वी हैव जस्टिस एंड इट्स रिवर्स्ड, ठीक है, एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स, जो आपके साथ ये सब नॉनसेंस कर रहे, दिस इज़ अ वेरी स्लाई स्नीकी एसोल किस्म का इंसान।
वेरी इमेच्योर्ड. ये इमोशनली बहुत ब्लैकमेल करते हैं आपको. इसे इधर से वेरी सेल्फिश पर्सन, ठीक है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या महसूस करते हैं, या आपके फीलिंग्स नीड्स की ज़रूरतों की कोई अहमियत नहीं देते. इनफैक्ट आपको फील कराता है कि आपकी ज़रूरतें मायने नहीं रखता है, ठीक है ना. इन्हें आपके साथ इनजस्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं होता है. इट्स लाइक उन्होंने ऐसे आपको, ये अगर ये आपके पेरेंट्स हैं ना, वो उन्होंने आपको ऐसे आपकी परवरिश की है कि आपको हमेशा आपको लगे कि आप कम में ही सेटल करो, आप बेस्ट डिज़र्व नहीं करते हो, हालांकि सारी मेहनत आपकी है. और वो बैठे बैठे मज़े ले सकते, लाइक आपका भाई बहन को सबसे बेस्ट वो डिज़र्व करते हैं, सिंड्रेला टाइप, ठीक है, वो सब कुछ डिज़र्व करते हैं. बट आप हर चीज़ को संभाल रहे हो, पर फिर भी समहाउ रिसीव करते वक्त आपके दोनों हाथ खाली है, कुछ भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो. ओके, लेट्स आस्क कि आपके कौन से एंसेस्टर यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना. लिसन, आपका जो परसेप्शन है ना ऑफ फैमिली, यू रियली नीड टू लेट गो, क्योंकि आप जिन्हें अपना फैमिली कह रहे हो वो आपका फैमिली नहीं है. ये बिहेवियर फैमिली का, फैमिली इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. नियत से, कर्मों से, ब्लड रिलेशनशिप होने से कोई फैमिली नहीं बन जाता है, ठीक है ना. यू आर अमंग्स वेरी टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पीपल, वेरी सेल्फिश पीपल. ये आपके फैमिली नहीं है. फैमिली एक दूसरे का फ़ायदा नहीं उठाते. आई एम हियरिंग कि ऐसे इंसिडेंट भी हो गया है जहाँ पर आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी और उन्होंने लिटरली आपको पीठ दिखा चुके, पर आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को बांध के रखना चाहते हो एंड यू आर नॉट विलिंग टू लेट गो. आप इन्हें खोना नहीं चाहते हो, या सेंस ऑफ फैमिली को आप खोना नहीं चाहते हो, इसलिए आप चुप रह जाते हो. बट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी फैमिली है नहीं. आप फॉल्स रिलेशनशिप्स को पकड़ के बैठे हुए जो आपके लिए नहीं बना है. दे वर मेंट टू ओनली टीच यू लेसन्स, और आप यहाँ पर उस सबक को सीख नहीं रहे हो. सेल्फ लव में नहीं आ रहे हो, आप अपने आप को वर्दी नहीं देख रहे हो. विच एंसेस्टर इज़ हेल्पिंग माई पाइल टू राइट नाउ? एंसेस्टर्स प्लीज़ बात करो यार. ये आपका जो एंसेस्टर है वो लिटरली चाहते हैं कि आप इस चीज़ को लेट गो करो. आपका परसेप्शन ऑफ फैमिली बहुत टॉक्सिक है, ठीक है ना. आपका डेफिनेशन ऑफ फैमिली इज़ वेरी रॉन्ग. कौन से एंसेस्टर्स यहाँ पर हमारे पाइल टू को हेल्प कर रहे हैं? ओके, दिस इज़ अ फॉल्स मैरिज वाला सिचुएशन आप लोगों के लिए, ठीक है. सो इट्स लाइक शादी का कोई गलत डेफिनेशन आपको दिया गया है, ठीक है, जहाँ पर आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही है. आपके फैमिली में प्यार नहीं है, लाइक वर वधु में प्यार नहीं है. दे डोंट प्रैक्टिस लव. वो लव रिलेशनशिप्स को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, उनमें क्षमता नहीं है, वो किसी में सपोर्ट नहीं करते. कौन से एंसेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं मेरे पाइल टू के लिए प्लीज़? Tell me about the ancestors. वो नहीं चाहते कि अगर आप इस वक्त किसी से शादी करने के बारे में प्लान कर रहे हो ना पाइल टू, वो नहीं चाहते कि आप एक लवलेस रिलेशनशिप में जाओ, एक कंडीशन शादी में जाओ. विच टेल्स मी कि आपके घर वाले बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं. एंड आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है. आप अपने स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को छोड़ करके अपने फैमिली के हिसाब से किसी टॉक्सिक कंडीशन रिलेशनशिप को चुनने के कगार पे हो. एंड ये लोग आपको बहुत फोर्स कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि मत कर, डोंट डू इट, टेक रेस्ट. इसीलिए इस वक्त आपके आपका सोना, मेडिटेशन करना, अपने एंसेस्टर्स के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं. लुक एट दिस फोटो, वंस दिस पर्सन इज स्लीपिंग, ठीक है. आपका ये स्पिरिट वेल में उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना. यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द लवर्स. यू हैव चॉइस, ठीक है ना. आप प्यार को नहीं चुन रहे हो,
पाइल टू, आप प्यार को नहीं चुन रहे हो समहाउ, किसी कंडीशनिंग के वजह से आप प्यार को नहीं चुन रहे हो एंड आपके एंसेस्टर्स बहुत नाराज़ हो रहे हैं इस वक्त कि आप प्यार को क्यों नहीं चुन रहे हो। आप लोग के फैमिली में, आपके एंसेस्टर ब्लड लाइन में प्यार नहीं है, अज्ञानता भरी पड़ी हुई है। ट्रू लव ज्ञान लेकर के आता है, सच के प्रकाश को लेकर के आता है, और वो अपने एंसेस्टर ब्लड लाइन को, अपने पूरे ब्लड लाइन को वो लिटरली क्लेंस करना चाहते हैं। एकदम सच्ची बात, देखो शंखनाथ हो रही है एंड यू आर द चोजन वन ऑफ योर फैमिली। आप इस नए बिगनिंग को रिसीव कर सकते हो, आप में क्षमता है। जबरदस्ती सब कह रहे हैं इसलिए प्लीज नॉनसेंस में मत जाओ। या दे आर पुशिंग यू टूवर्ड्स समबडी जो आपसे प्यार नहीं करते हैं। दे आर मूविंग यू इन टू समथिंग दैट्स लवलेस रिलेशनशिप। ओके, जो आपको फोर्स कर रहे हैं ये पर्सन एक मदर फिगर हो सकता है, ठीक है, एन इमेच्योर सेल्फिश मदर जिसे पैसे की भूख है। इन्हें आपकी खुशियों से कोई लेना देना नहीं है बॉस। टेल मी अबाउट द एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स बहुत छुप छुप के इस वक्त काम कर रहे हैं बॉस, ठीक है। आपके साथ धोखा हुआ है, दे आर सेइंग आपके साथ धोखा हुआ है। वो आपके फाउंडेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो जानबूझ के आपको नहीं चाहते कि आप अपना करियर को लेकर के भी आगे बढ़ो। यहाँ पर कोई आपको लालच भी दे सकता है कि नहीं शादी के बाद तुम अपना करियर कंटिन्यू कर सकते हो, बट एक्चुअली वो आपको अपने करियर को कंटिन्यू करने का आपको मौका तक नहीं देंगे। वो जानबूझ के आपको प्रेगनेंट वेगनेंट कर देंगे या कुछ कर देंगे ताकि आप अपने करियर को परस्यू कर ही ना सको। झूठ बोल रहे ये लोग आपसे। योर एंसेस्टर्स अ वेरी टफ, एकदम वेरी स्ट्रॉन्ग। वी हैव नाइट ऑफ सॉल्स एंड इट्स रिवर्स सेइंग कि प्लीज़ रुक जाओ, आखिरी मौका है, प्लीज़ रुक जाओ, इनके बातों में मत आओ। लेकिन अगर आप लोग सेमेट्री जाते हो, लाइक कब्र में जाते हो, अगर आप लोग के फैमिली में यू नो सबके सबके बेरियल्स होते हैं, मिट्टी डालते हैं आफ्टर डेथ, तो वो चाहते हैं कि आप अपने पुराने एंसेस्टर्स सेमेट्री में जाओ, ठीक है। अगर आप लोग के यहाँ पर लाइक इफ़ यू आर हिंदूज तो आप लोग का यहाँ पर बॉडी जलता होगा, राइट, इंक्रीमेशन होता होगा। यू नीड टू कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स समहा, उनसे बात बात करो, ठीक है। दे सी यू एज द स्टार, आप एक अक्वेरियस हो सकते हो। माई गॉड, सेवन ऑफ कप्स वापस रिवर्स है। लेकिन आप डेस्टिन हो एक ट्रू लव रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, पर फिलहाल के लिए, ठीक है, यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस रबिश सिचुएशन जहाँ पर आपको फोर्सफुली रखा गया। आपकी शादी प्रॉब्लम हो भी गई है पर आपको वहाँ से बाहर निकलना है। वो आपको इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कह रहे हैं, डेथ रिवर्स्ड, साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, इस साइकिल को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। वी हैव स्कॉर्पियो साजी, वी हैव अक्वेरियस साइंस में। देसिंग एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है किसी टॉक्सिक एंसेस्टर की तरफ से जो आपके बाकी के घर वालों को फोर्स कर रहे हैं टू डू टू स्टे दिस लवलेस पर्सन, लाइक ईगो में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा पापी आपका एंसेस्टर हो सकता है जिसने अपने ज़माने में बहुत गड़बड़ की है, ठीक है। अब मिजरी लव्स कंपनी, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आपके बाकी के सारे घर वालों के साथ साथ आप भी उसी टॉक्सिसिटी में उलझ जाओ। तो आपको वो बहुत तंग कर सकते हैं, एंड डायरेक्टली अगर वो आपको तंग नहीं कर सकते तो आपके घर वालों के ज़रिए वो आपको तंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कुछ बैड एंसेस्टर्स भी है बॉस। ओके, आपके जो अच्छे वाले एंसेस्टर है, That person might be a Sagittarius. ठीक है, this is an angelic being.
वो अदर साइड से आपको चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। देखो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है ना, वो चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए कह रहे हैं, वो आपको आपके हिस्सा देना चाहते हैं, आपके हिस्से का प्यार, आपके हिस्से का खुशी, आपके हिस्से की प्रॉपर्टी, आपकी खुशी खुशी की सारी चीज़ें आपको देना चाहते हैं। वॉन्ट टू गिव यू 100%, वो बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ये इन लोगों ने जो अपना कप भरने के लिए आपसे सब कुछ छीना है ना, वो लिटरली उसको वापस आपको सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन देखो कितना बैलेंस है, एक पैर उनके ज़मीन पर है, एक पानी में है, ठीक है ना। सो यू नीड टू गेन दिस बैलेंस, इट्स अ वेरी एंजेलिक बीइंग। आपके आपका ये जो अच्छा वाला एंसेस्टर है ना, इट्स एन एंजेलिक बीइंग। या दे वॉन्ट टू गिव यू, वाओ, आपका एक लव रिलेशनशिप है, बॉस मैं बोल रही हूँ, आपका एक ट्विन फ्लेम है, लवर सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। एंड इसके साथ रह करके आप इन सारे टॉक्सिसिटीज़ को तोड़ सकते हो, ठीक है। आपके आने वाले जनरेशन को कभी भी लवलेस नहीं रहना होगा, बिना प्यार के रहना नहीं होगा, पर आपको अपने प्यार के लिए यू हैव टू टेक एक्शन। प्लीज़ बैठे मत रहो, ठीक है। एक लौते आप ही हो जो आई गेस इन दोनों फैमिलीज़ को हील कर सकते हो, प्यार को इंट्रोड्यूस करके। दे से यू आर अ वेरी जेनरस पर्सन, पर आपकी जेनरोसिटी गलत जगह पे है, ठीक है। वी हैव द चैरियट, दिस इज़ ऑल्सो द बैलेंस कार्ड। दे सेइंग कि पैसे के बारे में टेंशन मत लो, पैसा आपको सही टाइम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप चीज़ें सात्विक तरीके से, सही तरीके से आप करोगे, और अपने अपने फैमिली में अगर टॉक्सिक तरीके से पैसा कमाने का एक वेव है, ठीक है ना, चीट करके ब्लैक मनी कमाने का एक वेव है, अगर कम समय पर अमीर होने का, तो आपको उसको डिच करना होगा। और चाहे स्टार्टिंग में हर चीज़ में मुश्किल होता है, बट यू नो, सर उठा के सही तरीके से पैसा कमाने से जो स्टेबिलिटी बनती है ना, वो परमानेंट होता है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। कोई नहीं कह सकता कि जो आपने कमाया है वो उनका है, उस पर वो कोई हुकुम नहीं चला सकते, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आपसे छीन नहीं सकते, ठीक है ना। एंड वो परमानेंट होता है, वो ग्रो करता रहेगा, वो कभी भी चोरी का चीज़ क्या होता है ना, गलत तरीके से लिया हुआ चीज़ एक रातों की नींद उड़ा देती है, ठीक है, दूसरी वो ठहरता नहीं है, ठीक है। वो टॉक्सिक तरीके से वो दूसरों के आँखों का आंसू, उनका हाई उसमें ऐड होता है, दैट नेगेटिव एनर्जी उसमें रहता है। सो वो कभी आपको शांति से रहने नहीं देगा, वो ब्लेसिंग नहीं, वो श्राप बन जाता है, ठीक है ना। दे आर सेइंग विद द चैरियट कार्ड कि अपने रास्तों को सीधा करो, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में परमानेंट स्टेबिलिटी आ सकती है अगर आपने उनके दिखाए हुए रास्ते को आपने अपनाया, तो आपको हिम्मत करके ये करनी होगी, ठीक है। आपका जो एंसेस्टर है वो कैंसेरियन हो सकते हैं, ठीक है, उस ज़माने में हो सकता है कि आप ना आपको याद नहीं ना रहे, बट आई एम सीइंग दिस एज कैंसर सैजी। कैंसर सैजी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, माइट ऑल्सो बी एन अर्थ साइन। आपके एंसेस्टर्स के ज़्यादा डिस्क्रिप्शन तो मुझे यहाँ पर मिल नहीं रहा है, मैं कॉन्स्टेंटली बार बार तक ये पूछ रही कि कौन सा एंसेस्टर आ रहा है, दिस जस्ट शोइंग मी कि ये एंजेलिक बीइंग है, ठीक है, तो हाईली अनॉइंटेड है। उन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं, दूसरे फैमिलीज को भी, दूसरे एंजेलिक बीइंग्स को भी उन्होंने, लाइक चोजन वंस को भी उन्होंने हेल्प किया है, ठीक है। यू नीड टू टेक एक्शन टूवर्ड्स योर ट्रू लव, आप जो भी हो, फाइल टू, या इट्स टाइम फॉर अवेकनिंग। आपको इस ट्रांजिशन से गुजरना होगा, ठीक है, एक सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन आपके तरफ मूव कर रही है। जो आप अनईजी फील कर रहे हो ना, ये इसी ट्रांजिशन के वजह से है। एंड दिस इज ऑल्सो द ब्रेकिंग आउट ऑफ द ईगो, कंडीशनिंग से बाहर निकलना, अपने इनर सेल्फ को, अपने हायर सेल्फ को आगे लेकर के आओ, ठीक है ना। या वी हैव द लवर्स कार्ड, या दिस इज़ अ हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ अ कनेक्शन। वो लिटरली चाहते हैं कि आप अपने ट्विन के साथ जाओ, अपने ट्रू लव के पास जाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम विथ ये कार्मिक्स एंड दूसरे लोगों के साथ, प्लीज़ डोंट। आपके किस्मत में प्यार है, डोंट डू इट, ठीक है। या वी हैव स्ट्रेस रिवर्स, एक बार आपने ये डिसीजन ले लिया कि आपको आपके ट्रू लव के पास जाना है, आपके भीतर जो जंग छिड़ी हुई ना, जो कन्फ्यूजन है, आप जो पागल पागल हुए जा रहे हो ना, ये सारा स्ट्रेस उतर जाएगा,
क्योंकि आप में एक बार आप में क्षमता है, एक बार आप ठान लोगे ना फिर आपको कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। आपको सेकंड करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए आपके एंसेस्टर्स पहले से बैठे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि आपके एंसेस्टर्स एंजेलिक बींग्स हैं, बहुत स्ट्रांग है वो, उनका अपना खुद का आर्मी होगा आपको सपोर्ट करने के लिए। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपको रोकने की कोशिश करेगा ना, तो आपके एक आपको एक उंगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे जो भी नेगेटिव एंटिटीज है उन्हें रफा दफा कर दिया जाएगा। या लिसन, ये लोग आपके लाइफ में एक टावर हिट कराने की अभी आई एम हियरिंग कि उन्होंने कोशिश की है, ठीक है, एंड आपके एंसेस्टर्स ने उन्हें ऑलरेडी रीडायरेक्ट कर दिया है। ये टावर आपको हिट नहीं किया है, ठीक है, ये छू भी नहीं पाए। प्रॉब्ली आपका ये जो भी टॉक्सिक आपके फैमिली मेम्बर्स है या कार्मिक्स है, या अगर कार्मिक स्पाउस है आपका, ये आपके ऊपर मैजिक वैजिक करने की कोशिश किया था ताकि वो आपके फाउंडेशन को हिला सके, आपको रोक सके, जैसे ही वो उन्होंने उसको ऑलरेडी रिवर्स कर दिया है, ठीक है। उनके रहते हुए आपको कोई छू नहीं सकता है, आपके एंसेस्टर्स के रहते हुए। सो आपका ये जो एक सेल्फ डाउट है ना, इट्स लाइक इट्स लैक ऑफ सेल्फ लव, ठीक है, आप अपने आप को काबिल नहीं देख पा रहे हो एंड दैट इज़ एन इशू, ठीक है ना। यार दिल में अगर प्यार है ना, आप दुनिया के सबसे अमीर पर्सन हो। स्टॉप टेलिंग योर सेल्फ लाइज कि आप इस प्यार की लाइक नहीं बनो। देखो, वी हैव अंडरस्टैंडिंग एंड रिवर्स, पिंजरे को छोड़ के उड़ने का टाइम आ गया है, इस सोने के पिंजरे से बाहर निकलो, ठीक है। ओके, मेरे पाइल टू क्या कर सकते हैं ताकि उनके एंसेस्टर्स को सपोर्ट मिल सके। देखो, आपके एंसेस्टर्स के ज़्यादा तो डिटेल्स यहाँ पर आए नहीं हैं। आपके एंसेस्टर पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं या अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, ठीक है ना, जब वो जिंदा थे तब। व्हाट यू रियली नीड टू डू इज़ अपने मन को शांत करो। आपके दिमाग में इस वक्त जो इतना उथल पुथल चल रहा है ना, यू नीड टू काम इट डाउन। आप बहुत साइकिक अटैक्स झेल चुके हो, आई अंडरस्टैंड, बट अपने माइंड को, अपने क्राउन चक्र को प्रोटेक्ट करते हो, उसको शांत करना सीखो। यू आर बिकमिंग टू लॉजिकल, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग की बात सुन रहे हो, विच इज़ एक्चुअली द ईगो, और आपका दिमाग डरा हुआ है इनकी बातों से, बकवास से, ठीक है। बहुत नेगेटिव थॉट्स इसमें भरे पड़े हुए, यू नीड टू रिलीज ऑल दोज थॉट्स। अपने हार्ट चक्र में जाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मूव इन टू नथिंगनेस, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी ही आपके तकलीफ़ों का कारण है। आपका खुद का नेगेटिव सोच, जो झूठ बकवास आप करते रहते हो ना अपने आप के साथ कि हाँ मैं इसके लायक नहीं हूँ, माय गॉड वो मेरी डिवाइन फेमिनिन, मेरी डिवाइन मैस्कुलिन बहुत अमेजिंग है, मैं तो उसके लायक नहीं हूँ, एंड ऑल, या किसी ने आपको बार बार करके वो आपको कह रहे आपके कान के पास कि उसके देख और तुझे देख, तुझे लगता है वो मिल सकता है, वो जो अंडरहैंडेड कमेंट्स करते हैं ना, वो तू तो यू नो क्लास 12 में तू तो फेल कर गया था, या तू कॉलेज ड्रॉप आउट है, या तेरे पास ये नहीं है, तुझे लगता है वो तुझे अपनाएगी अपनाएगा, प्लीज़ गेट ओवर इट, ठीक है ना। ये चॉइस आपके डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की, व्हेन इट कम्स टू दिस अनकंडीशनल लव ना, इसके डिमांड्स कुछ और ही होते हैं, इट्स नॉट ऑन द मटेरियलिस्टिक लेवल, ये कंडीशनिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो ट्रू लव का जो स्वरूप है ना, पहले उसको जानो, या प्लीज लेट गो ऑफ ऑल दिस टॉक्सिक नॉनसेंस, ठीक है। अपने बैलेंस को अक्वायर करो। आई फील कि आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, शादी वादी करके बैठे हो, वो भी एक कार्मिक के साथ, या यू नीड टू मूव टूवर्ड्स कंप्लीशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक्शन लेना है, बेसिकली आपको एक्शन लेना है अपने ट्रू लव की तरफ, आपको बस एक्शन लेना है, बाकी आप अपने एंसेस्टर्स पे छोड़ दो, ठीक है। एग्जैक्टली, वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ सप्रेशन, आप अपने आप को सप्रेस करते हो, एंड आपके कार्मिक्स आपको एक्सटर्नली सप्रेस करते हो, उसी सप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। आप जितना अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को आप दबाओगे, अपनी सच्चाई को आप जितना दबाओगे, ये कार्मिक्स आपका मिरर रिफ्लेक्शन होने के, आपके लोअर चक्र के मैनिफेस्टेशन होने के ना, तो वो भी आपको सप्रेस ही करेंगे, वो ही बातों को दोहराएंगे जो आप अपने आप से कहते हो। सो इफ दे आर टॉकिंग रबिश, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर रबिशिंग योर सेल्फ, ठीक है। लूज दैट कंट्रोल, चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दो, ठीक है। यू नीड टू कम आउट ऑफ इट,
आप अपने कनेक्शन को अगर बार बार करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं मर्द हूँ, मैं कंट्रोल करूँगा, या यू नो आई एम द डिवाइन फेमिनिन, मेरी अवेकनिंग पहले हुई है, आई एम हुंडुली, नो, यू ऑल आर इक्वल्स. अगर आप अपने ट्विन को और अपने हाई लेवल सोलमेट को अपने बराबर नहीं मानते हो, आप उनकी डिविनिटी को इंसल्ट कर रहे हो. आप अपने ही एक और हिस्से को कह रहे हो कि वो आपके लायक नहीं है. व्हाट द फक आर यू डूइंग, व्हाट द फक आर यू डूइंग, लाइक सीरियसली. ट्यून इन, हील योरसेल्फ. इस वक्त आपको अपने, आई नो आपके आसपास ये पिक्चर देखो, कितने सारे फेसेस है ना, कितने सारे आवाज़ें हैं ना. आई कैन अंडरस्टैंड आपका, आपके दिमाग, आप अपने दिमाग पे कुछ ज़्यादा जोर डालते हो ना, अपने दिमाग की बात ज़्यादा सुनते हो ना. आपका दिमाग एक्चुअली बहुत कमज़ोर है, बहुत नेगेटिव है, ये आपके खिलाफ काम कर रहा है. एंड आपके एंसेस्टर्स इसी चीज़ को रिलीज़ करने के लिए कह रहे हैं, एंड दे आर सेइंग दे विल सपोर्ट यू. चाहे कितना भी सी, एक बार में ना कभी कॉन्सेंट्रेशन आता नहीं है. आप बैठोगे, आपका मन इधर उधर उधर उड़ने लगेगा. आप वापस उसको लेकर के आओ, ध्यान को वापस लेकर के आओ. वो सारी चीज़ें करो जिससे आपका फोकस यू नो अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग हो सके. गेट इन टू योर हार्ट स्पेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गेट इन टू योर हार्ट स्पेस. ये पोजिशन देख रहे हो, मैं ज़्यादातर इसी पोजिशन में मेडिटेशन करती हूँ. दिस इज़ अ बुड्ढा मेडिटेशन. इस वक्त आप बुड्ढा की तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील कर सकते हो. आप बुद्धिस्ट भी हो सकते हो. आई एम हियरिंग समथिंग अबाउट टिबेट. या इट्स टाइम टू ग्रो अप, इट्स टाइम फॉर यू टू ग्रो अप. ठीक है, आपको सपोर्ट करने वाला कोई मैच्योर फेमिनिन हो सकती है. इट्स लाइक आप स्ट्रगल कर रहे हो ना अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करने के लिए, सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए. एंड आपके एंसेस्टर, आपका जो एंसेस्टर है वो कोई ग्रैंड मदर हो सकती है. ठीक है, एक फेमिनिन एनर्जी है जो बहुत ही कनेक्टेड है. देख रहे हो नेचर के साथ कैसे कनेक्टेड है. शी इज़ द नेचर, शी हैज़ बिकम वन विथ नेचर. आप डिवाइन फेमिनिन की पूजा भी करते होंगे, लाइक यू नो माँ काली एंड देवी लक्ष्मी की पूजा भी होती होगी आपके घर में. बट देन आप डिवाइन फेमिनिन को ऑनर नहीं करते हो, ट्रूली आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनकी एनर्जी को आप अपने सिस्टम में वेलकम नहीं करते हो, अपने भीतर डेवलप नहीं करते हो. एक्चुअली ये सब पूजा पाठ सब दिखावा है. आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस, देयर इज़ नो ऑथेंटिसिटी इसके पीछे. स्पेशली आपके घर वालों की तरफ से ये एक लालच है कि हमें पैसा चाहिए तो इसलिए हम पूजा कर रहे हैं. ठीक है, एक्चुअली आप ऑनर नहीं करते हो. एंड दैट बिकॉज आप अपने खुद के अंदर की फेमिनिनिटी को, यंग को बिना एम्ब्रेस किए, बिना उसको ऑनर किए, आप सामने के फेमिनिनिटी को, उनकी डिविनिटी को कभी भी, डिवाइन फेमिनिन को ऑनर नहीं कर सकते. ठीक है, सो दैट इज़ वॉट योर एंसेस्टर्स आर हेल्पिंग यू हील राइट नाउ. या पूरा डिसबैलेंस होकर के इस वक्त आपके ट्विन भी आपके खिलाफ होंगे. आपके ट्विन आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे बिकॉज आप उन्हें ऑनर नहीं करते. आप एक फेमिनिन भी हो सकते हो जो अपने मैस्कुलिन को ऑनर नहीं करते हो. इसलिए आपका ट्विन कनेक्शन, लाइक वो आपका ट्विन होकर भी आप रियूनियन में नहीं आ पा रहे, क्योंकि आप खुद प्यार को रिजेक्ट कर रहे हो, अपने अदर हाफ को आप रिजेक्ट कर रहे हो, अपने भीतर रिजेक्ट कर रहे हो. आप वननेस में नहीं आ रहे हो. कम आउट ऑफ दैट गिल्ट, इस गिल्ट से बाहर निकलो. यू आर फीलिंग गिल्ट अबाउट समथिंग. इट्स लाइक आपने पास्ट में कुछ किया था जिसकी गिल्ट आपको बहुत सता रही है कि मैंने ये किया था. अगर उसे पता चले, क्या वो मुझे अपनाएगा, क्या वो मुझे अपनाएगी, ये उसके ऊपर निर्भर करता है ना. उसके पहले सच तो बताओ. यहाँ पर दुनिया भर का मैनिपुलेशन आपके दिमाग में चल रहा है. आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दिस, बट ये अच्छी भी बात है मैं यहाँ पर बता पा रही हूँ. इट्स लाइक आप कुछ छुपाने के लिए चीज़ों को मैनिपुलेट करने की, कहानी को घुमाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने आप को इनोसेंट दिखा सको, विक्टिम दिखा सको, जबकि आपने वो काम करते वक्त आपने इन्जॉय किया था. प्रॉब्ली आपने अपने ट्विन को चीट किया था या उनसे कोई बातें छुपाई थी और आपने मज़े लिए थे चीट करते वक्त. आपको बहुत मज़ा आया था. मैं तो रनर के लिए लगता है यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ.
फाइल टू रनर्स के लिए आई गेस, आपने मज़े लिए थे पर आपको तब नहीं पता था कि आप जिसे चीट कर रहे हो वो आपका ट्विन है, इज़ द लव ऑफ योर लाइफ, करने के बाद आपको समझ में आया, और या फिर आपने कुछ अंडर हैंडेड कुछ टॉक्सिक चीज़ें की है, उस वक्त आपने बहुत मज़े लिए हैं, ठीक है, पर अब आपको शर्म आ रही है ये बात को एक्सप्रेस करने के लिए कि हाँ मैंने यू नो टू सम थ्री सम किया है, या फिर चोरी किया है, या इजी मनी में या मैनिपुलेशन में मैंने एक्टिवली ये किया था पास्ट में. यू नीड टू अंडरस्टैंड आप आपकी गलती नहीं हो. अगर सच में आपको शर्मिंदगी है ना, इफ़ अगर आप सच में सॉरी हो तो आप इन चीज़ों को दोबारा करोगे नहीं, अगर आपका सॉरी जेन्युइन है तो, ठीक है ना. एंड दैट्स ऑल दैट्स नीडेड कि आप एक्चुअली चीज़ों को करेक्ट कर रहे हो, पर जब तक आपके अंदर वो सिंसियरिटी नहीं आ जाती, आप सिंसियर नहीं हो पाए डू, आपके अंदर जब तक वो सिंसियरिटी नहीं आ जाती ना कि हाँ मुझे मेरा हिस्से का सबक मिल चुका है, आई नो ये गलत था और आज के बाद मैं गलती से भी ये गलती दोहराने नहीं वाले, सो तब आपके सॉरी में दम होगा कि हाँ आई एम एक्चुअली सॉरी, क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे दिख चुका है. बट देर इज़ अ सेंस ऑफ लैक ऑफ सिंसियरिटी. इसलिए अगर कल आपको मौका मिलेगा ना, कोई और आपको बहकाएगा ना, दोबारा आप वो कर बैठोगे. सो फाइल टू, आप लोग एक्चुअली आपका इंक्लिनेशन टॉक्सिसिटी की तरफ है, लोअर चक्र की तरफ है. एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आप लोगों को अडिक्शंस है किसी चीज़ का, आदतें हैं झूठ बोलने की एंड ऑल दैट स्टफ. बहुत हीलिंग करनी है आपको, बहुत, ठीक है. आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर, बाय.